Assalamu alaikum, friends, young professional and future researcher. कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. माई टाइम में हम बहुत सारा टाइम अपना बेफजूल चीज़ें जो हमारे लिए लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर हम देखें तो हम मोस्टली अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर स्पेंड करते हैं कि जिसकी हमारी लाइफ में कोई वर्थ नहीं होती. सपोज लाइक अगर हम एक छोटी सी फैमिली की एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी के घर में लड़ाई चल रही है तो जो लड़ाई का सारा बर्डन किस पे होता है, जो उस घर का उसमें कोई रोल भी नहीं होता. इट्स द सेम पॉइंट. आप ये देखें कि अगेन हमारे यहाँ पे मुल्क में भी ये चीज़ें हैं कि हम बहुत सारी पॉलिटिक्स में ऐसे पड़ जाते हैं कि जिसमें हमें जिस अगर इलेक्शन कैंपेन की मैं एग्जांपल लूँ, क्या हुआ कि जिन लोगों ने आपस में हेटेड स्पीच और ये सब कुछ किया, बट आज अगर हम देखें कि कश्मीर के लिए हम विदाउट एनी रिस्पेक्ट सब निकले, तो इट्स मीन हमें सिर्फ एक दिन पे कंबाइन होना या यूनाइटेड होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स मीन हमें डेली हर दिन हमारा यूनाइटेड होना चाहिए. रीज़न, क्योंकि उससे हम अपने मुल्क की भी वर्थ बढ़ाएंगे, अपनी भी बढ़ाएंगे. और जब हम ये सब चीज़ें लर्न करेंगे तो हमें बहुत सारे मैसेज मिलेंगे कि हम बहुत सारा काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं. थर्ड एलिमेंट मैं ये बताऊँगी रिस्पेक्ट माई टाइम में कि हमें प्रॉपर हार्ड वर्किंग से नहीं घबराना चाहिए. बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स की मैं क्या इवन इन बहुत सीनियर्स की भी अगर हम देखें, सारी उम्र गुजारने के बाद हमारा बहुत कॉमन फैक्टर होता है, हम कहते हैं हमने किया क्या है, हम तो सारी उम्र बेकार गुजारी. तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है हमें उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है? तो अगर है तो इट्स मीन कि हमें खुद से सोचना है कि हमने अपना रिस्पेक्ट फैक्टर कैसे जनरेट करना है, उसको कैसे इन्हांस करना है. फोर्थ पॉइंट, अगर हम एक चीज़ जो मैं देखती हूँ कि हमारे सराउंडिंग में लोगों में होते हैं कि हम जो गॉसिप्स टाइम करते हैं, गॉसिप्स इट्स नॉट रियली बैड ऑलवेज बट इट्स अबाउट हेल्दी गॉसिप. हेल्दी गॉसिप्स क्या हैं कि आप उसमें फ़न ले लें, आप उसमें प्रोडक्टिविटी ले लें, उसमें आप ऐसी क्रिएटिविटी ले लें कि जिस क्रिएटिव वर्क से आपको फील हो कि हाँ आपने कुछ डिलीवर किया, कुछ गेन किया. क्योंकि रीज़न ये आती है, बहुत छोटी सी लाइफ है और बट हम उसको बहुत बेकार चीज़ों में स्पेंड कर रहे होते हैं. आई गिव यू माई एग्जाम्पल. वेन आई वॉज इन सेवन्थ क्लास मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरा यूरिन रुक गया. डॉक्टर टोल्ड टू माई पेरेंट्स वी हैव ओनली 5 मिनट, माइट बी नेक्स्ट 5 मिनट शी विल नॉट मोर देन विद अस. अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो सराउंडिंग में अपने देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने किसी की टांग कैसे खींचनी है. क्या हमारा लाइफ का पर्पज़ यही है कि इससे हम अपनी रिस्पेक्ट करें या अगले की रिस्पेक्ट करें? दिस इज़ अबाउट कि हमें रिस्पेक्ट माई टाइम में सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने अपनी हमारी लाइफ की प्रेफरेंस क्या है. वन पॉइंट, अगेन हर चीज़ की लाइफ में प्रेफरेंस होती है और लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस हम इजीली कर सकते हैं. इट्स नॉट वेरी हार्ड कि हम कहें कि नहीं जी वी कैन डू इट, वी कैन. सेकेंड पॉइंट, हाउ टू से नो. जो हमें हर बात पर येस करने का, वो जो एक पाकिस्तानी ट्रेंड है ना कि जी भरों को ना नहीं करनी, इस चीज़ पर ना नहीं करनी, अगेन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस चीज़ को येस और किस चीज़ को नो कहना है और उसकी बैकग्राउंड सारी हमें पता हो. और थर्ड पॉइंट जो बहुत मेजर एक फैक्टर आते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग करनी आनी चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हम एज नेशन अपने अंदर देखें, वीकनेस हमारे अंदर जो आती हैं वो यही पॉइंट आता है कि हमारे हमें डिसीजन मेकिंग नहीं है. हम एज सच किसी चीज़ पर फौरन सा डिसीजन नहीं ले पाते. साल हर साल हम ये सोचने में लगाते हैं कि अच्छा हमने ये अच्छा किया था या बुरा किया था. बहुत ज़्यादा हमें पास्ट को नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को भी नहीं सोचना चाहिए. करंट में रह के करंट को एंजॉय करें और हैप्पी और हेल्दी लाइफ स्पेंड करें.